हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, अपनी गार्डन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक वाटर फिल्टर का कार्ट्रिज है। हमें से बहुत सारे, मैं तो कहूँगी मेजॉरिटी लोगों के घर में आजकल जो है वाटर प्यूरिफायर फिल्टर तो होता ही होता है, और सबको पता होगा कि उसके अंदर जो है इस तरह के कार्ट्रिजेस यूज़ किए जाते हैं, और इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 मंथ्स होती है मैक्सिमम, और उसके बाद जो है हमें इसे रिप्लेस करना होता है। ये देखिए, ये एक ब्रांड न्यू कार्ट्रिज है, आप देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ये एक कंपनी मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन इस तरह के जो कार्ट्रिज होती है ये हम अपने वाटर प्यूरिफायर्स में यूज़ करते हैं, और 6 महीने बाद इसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो आज जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी वाटर प्यूरिफायर की कार्ट्रिज से हम अपने गार्डन में कितने अच्छे जो है जुगाड़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनमें से निकलती हैं जो हमारे गार्डनिंग में बहुत अच्छे से काम आ सकती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो ब्रांड न्यू पीस है, आप देख सकते हैं, इस तरह ये प्लास्टिक में कवर्ड है। जब आप ये प्लास्टिक हटा देंगे तो इसके अंदर होता क्या है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरह का जो है ये कार्ट्रिज होता है, और बाहर से जो है इस तरह का ये माइक्रो फाइबर, जिसमें जैसे जो आपको बैग्स मिलते हैं ना, शॉपर बैग्स जिनको कहते हैं, माइक्रो फाइबर के बने होते हैं, बस उसी मटेरियल का ये बना हुआ है। तो इसी में ये रोल करा हुआ होता है इस कार्ट्रिज के ऊपर। तो ये कपड़ा भी हमारे गार्डनिंग के काम आ सकता है। हम जो है ड्रेनेज होल के ऊपर या बास्केट्स को लाइन करने के लिए इस माइक्रो फाइबर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। ये तो हो गया एक इस्तेमाल, यानी हम वेस्ट से कितना अच्छा जो है जुगाड़ कर रहे हैं अपने गार्डनिंग के लिए। हमें कोई भी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं हमारे घर में से। तो ये हो गया माइक्रो फाइबर और पहला जुगाड़। अब आपको दूसरा जुगाड़ दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो पहली लाइनिंग होती है या जो बाहर की जो फिलिंग होती है वो होती है ये कार्बन। कार्बन यानी चारकोल, जो हमारे पानी को प्यूरीफाई करने में बहुत मदद करता है। तो हमारे लिए तो ये अच्छा होता ही है, हमारे लिए ये पानी प्यूरीफाई करता है, सारी इम्प्योरिटीज जो है इस कार्बन से यानी चारकोल से निकल जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो यही जो कार्बन है ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये चारकोल के पीसेज हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे बारीक बारीक चारकोल के पीसेज हैं, और मुझे आपको चारकोल के फ़ायदे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि चारकोल जो है कितना अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। अगर हम सॉइल में थोड़ा सा चारकोल मिला दें तो कोई भी फंगस नहीं लगती हमारे सॉइल में, और ये जो है मॉइस्चर भी बहुत अच्छे से सोक करता है। तो कहीं हमने कभी ओवर वाटरिंग कर दी अपने प्लांट्स में, तो ये जो चारकोल है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, और इससे हमारे प्लांट्स को कोई भी डैमेज नहीं होता, उल्टा फायदा ही होता है। तो ये जो बाहर की लेयर है ये पूरी जो है इस चारकोल से कवर्ड है, तो इसे भी हम कलेक्ट करके अपनी पॉटिंग सॉइल में यूज कर सकते हैं, और ये भी हमें बिल्कुल फ्री में मिल गया। देखिए फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया चारकोल। अब हम जाते हैं और अंदर, ये माइक्रो फाइबर, देखिए ये माइक्रो फाइबर का जो कवर था वो बिल्कुल हटा दिया है मैंने, और अब ये चारकोल भी हटा दिया। और फिर ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो है एक रस्सी का पूरा रोल है। ये देखिए, मैं आपको इसका स्टार्टिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये जो रस्सी है फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ी ही स्ट्रांग है। देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे कोई वुलन धागा हो, लेकिन नहीं है, ये बिल्कुल मैक्रमे कॉर्ड के जैसे आप कह लीजिए या जूट रोप कह लीजिए, बिल्कुल वैसी जो है ये रस्सी है। और देखिए, ये पूरा एंटायर रोल है इस रस्सी का, देखें। तो आप इस रस्सी का कितने अच्छे से जो है अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपने बांधना है, आपने हैंगिंग प्लांटर्स के लिए इनको यूज़ करना है, आप अपने प्लांट्स को अगर मॉस्टिक पे बांधना चाहते हैं या कहीं पे भी उसको जो है ट्रेल कराना चाहते हैं, कहीं पे भी उसे गाइड कराना चाहते हैं, तो आप इस रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल आप जो हैं इस रस्सी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इससे बहुत सारे खूबसूरत जो हैं मैक्रमे के शो पीसेस भी बना सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बॉटल्स के ऊपर जो आजकल बहुत चल रहे हैं DIYs, उसके लिए भी आप इस रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पूरा, देखिए रोल जो है इस रस्सी से बंधा हुआ है, और कितना सारा रस्सी है ये, कितनी सारी है मैं कहूँगी। तो बहुत ही काम की चीज़ है, आप इनसे जो है
छोटे छोटे प्लांटर्स जो शेल्व्स हम बनाते हैं अपने गार्डनिंग में, उनको भी बांध के टंगा सकते हैं। तो ये देखिए तीन चीजें, और वो भी हमें बिल्कुल फ्री में हमारे कबाड़ से मिली हैं, और सारी चीजें जो है हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही आराम से इनको यूज कर सकते हैं। ये तो तीन चीजें हो गई, और इसके अंदर एक पाइप भी होता है प्लास्टिक का, जिसके ऊपर ये जो रस्सी है ये लपेटी हुई है। देखिए आप ये रस्सी को देख सकते हैं कितनी मजबूत दिख रही है। ये देखिए यही चीज हम अगर बाजार में लेने जाएंगे तो हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो अंदर का जो पाइप है जिसके ऊपर ये सारी रस्सी लपेटी गई है, उसको भी आप एज अ मोस्टिक यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप इसी रस्सी को लपेट दीजिए, या एज इट इज इसी को आप रख दीजिए गमले में, तो ये एक तरह का मोस्टिक भी बन जाता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो इतने सारे जुगाड़ हैं इस फिल्टर के कार्ट्रिज के, तो आप भी कभी भी इस कार्ट्रिज को फेंकिएगा नहीं। तो ये था मेरा आज का कबाड़ का जुगाड़। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे आइडियाज पसंद आए होंगे, और आप भी ये सारी चीजें जो हैं अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।